नमस्कार दोस्तों, इनफोकस सिविल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि समीक्षा अधिकारी परीक्षा की तैयारी के लिए हमारा संस्थान एक समर्पित संस्थान है। ऐसे में हमारा यह प्राथमिक कर्तव्य हो जाता है कि आप लोगों के सामने इससे जुड़ी हर छोटी बड़ी महत्वपूर्ण खबर आपसे साझा की जाए। आज भी हम लोगों के सामने एक ऐसी ही खबर सामने आई है जिसमें कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा RTI के माध्यम से एक जानकारी हासिल लगी है, जो कि कोई दिलीप कुमार है, उन्होंने पूछा है, तो उसके थ्रू हम लोग को RO, BEO और LT ग्रेड के संबंध में एक सूचना प्राप्त हुई है। आप में से कई लोग सारे लोगों का ये प्रश्न रहता था कि केवल YouTube पे ही ये हल्ला है कि वैकेंसी आने वाली है, और ऐसा वास्तव में कहीं पे कुछ नहीं है। वैकेंसी को लेकर एक बहुत संशय की स्थिति थी कि वैकेंसी आएगी भी या नहीं आएगी। तो आज ऑफिशियली इस नोटिस के माध्यम से, इस RTI के थ्रू प्राप्त कार्यालय ज्ञाप के माध्यम से हम लोग ये देख सकते हैं कि वास्तव में ये नोटिफिकेशन आना तय है। थोड़ा सा समय का अंतराल है, उसके कारण को भी हम लोग समझेंगे, और जो कारण मैंने आपको अभी 10 दिन पहले अपने वीडियो के माध्यम से प्रसारित किया था, सेम वही कारण लगभग यहां पर लिखा हुआ है। आप देख सकते हैं, अगर आप लोगों को यह ना दिख रहा हो तो मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूं ताकि आप लोग भी इसको स्पष्ट तरीके से पढ़ सकें। देखिए, यहां पर लिखा हुआ है कि लोक सेवा आयोग का ही ये कार्यालय है, और वहां से प्राप्त जो कार्यालय ज्ञाप है, कार्यालय ज्ञाप में यह पता लगा है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाले, अगर ये आपको पढ़ने में नहीं आ रहा है तो मैं पढ़ के सुना दे रहा हूं ताकि आप लोगों को। देखिए, खंड शिक्षा अधिकारी सहायक अध्यापक LT ग्रेड एवं समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी की परीक्षा हेतु शासन विभाग से अध्याचन प्राप्त हुआ है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि अध्याचन आयोग को ऑलरेडी प्राप्त हो चुका है, तो शासन से अध्याचन प्राप्त हुआ है जिसमें विसंगतियों के निराकरण हेतु शासन विभाग से पत्राचार किया गया है। तो यानी कि जो जहां पर मामला रुक रहा है वो ये है कि उसमें कुछ एक विसंगतियां हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि RO, ARO की अगर हम लोग बात करें तो ओ लेवल का इक्विवेलेंट जो मुद्दा है उसको लेकर शासन विभाग से पत्राचार किया जा रहा है, और इसी वजह से इसमें थोड़ी सी देर हो रही है। ये वैकेंसी आपकी दिसंबर में ही आनी थी, किंतु क्रमशः यह लेट होती चली जा रही है। परंतु जैसा मैंने आपको बताया था कि लगभग जून माह तक आपको इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगी, ऐसी हम लोग को एक अंदर से खबर मिली थी, परंतु उसकी कोई ऑफिशियल जानकारी हमारे सामने नहीं मौजूद थी। किंतु आज हम लोग को ये एक पुख्ता प्रमाण आपको मिल चुका है जिससे आप लोग ये समझ सकते हैं कि वैकेंसी तो आना तय है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था। और उसी समय मैंने आपको यह भी बताया था कि वैकेंसी चाहे जब आए, लेकिन आप लोगों की तैयारी इतनी मजबूत होनी चाहिए कि जब भी वैकेंसी आए तो आप लोग उसकी उसको उसमें अंतिम रूप से सफल भी हो सकें। क्योंकि होता क्या है कि जो लोग ज्यादा ही वैकेंसी आने के चक्कर में कि कब आएगा नोटिफिकेशन, कब आएगी वैकेंसी, उनका वास्तव में तैयारी उतनी मजबूत नहीं हो पाती, और जो लोग इस सब पर ध्यान, इन सब से ध्यान हटाते हुए अपनी केवल तैयारी पर फोकस रहते हैं, वो ही अंतिम रूप से सफल हो पाते हैं। तो इसीलिए मैंने आपसे कहा हुआ है, देखिए, समीक्षा अधिकारी के लिए हम लोग ऑलरेडी कई सारे प्रोग्राम चलाते हैं। हमारा हिंदी को लेकर एक बैच अभी शुरू हो रहा है, इससे पहले हमारा टेस्ट सीरीज RO, ARO की सेक्शनल टेस्ट सीरीज, जिसमें वीकली शेड्यूल के माध्यम से हर वीक की एक गाइडेड तैयारी आप लोगों को कराई जाती है, वो भी प्रोग्राम चल रहा है। उसके साथ ही प्री और मेंस की समन्वित तैयारी के लिए हम लोग निबंध प्रैक्टिस बैच लेकर आए, जिसमें वास्तव में निबंध लेखन का कौशल को विकसित करने का जरिया उससे सीखा जा रहा है, कैसे हम लोग अपने निबंध को अच्छी तरीके से लिख सकते हैं, एकदम जीरो लेवल से उसमें शुरुआत की जा रही है, और वह बैच हमारा बेस्ट सेलिंग कोर्स भी बन गया है। इसी प्रकार से जो RO, ARO की टेस्ट सीरीज हमारी सेक्शनल चल रही है, उससे भी आपके 72 टेस्ट के माध्यम से एक बहुत गाइडेड तैयारी हो जाएगी। तो यानी कि आप देख लीजिए कि यहां पर आपको एक पुख्ता प्रमाण तो है ही कि वैकेंसी आनी तय है। कब तक आएगी वो मैंने आपसे कहा है कि लगभग जून तक इसके आने की काफी हद तक संभावना है, और अगर जून में ये वैकेंसी आती है तो आपका जो पेपर जाएगा वो लगभग आपका ये मान के चलिए कि सितंबर से पहले नहीं होना है। यानी अभी से अगर आप देखेंगे तो आपके पास कम से कम 5 से 6 महीने का समय है। तो एक प्रश्न मेरे पास अक्सर आता है कि कोई अगर फ्रेशर है तो वो इसकी तैयारी अभी से करे तो क्या कर सकता है। तो देखिए, यहां पर जो GS आती है वो सब्जेक्टिव नहीं आती है, बल्कि ऑब्जेक्टिव आती है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस टाइप पेपर आता है। तो ऐसे में आपके लिए इसकी तैयारी करना बहुत मुश्किल नहीं है। और दूसरी बात कि यहां पर हिंदी आती है, तो GS और हिंदी दो ही सब्जेक्ट है जिस पर आपको पकड़ बनानी है, उसके साथ में निबंध का विषय है। तो इन सभी के अगर प्री और मेंस दोनों की समन्वित तैयारी, समन्वित अप्रोच के साथ अगर आप तैयारी करेंगे तो निश्चित तौर पर इसमें आप सफल होंगे, ऐसा मेरा मानना है। तो इसलिए एक बहुत ही अच्छी जॉब है, चाहे वो समीक्षा अधिकारी की हो या खंड शिक्षा अधिकारी या LT ग्रेड की,
खासतौर पे अगर समीक्षा अधिकारी की बात करें, देखिए ग्रुप बी की एकमात्र ऐसी जॉब है जो गेस्टेड ऑफिसर पोस्ट है, विदाउट इंटरव्यू आपको इसमें मिलेगा। तो इसलिए इसके लिए आपको कोई बाहरी मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, बल्कि आप खुद ही इस पोस्ट के आकर्षण को महसूस कर सकते हैं, और उसके साथ साथ आप लोग एक गाइडेड अप्रोच के साथ अगर तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे इन प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं। आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, प्ले स्टोर पर इनफोकस सिविल अकेडमी नामक हमारा ऐप है, जिसमें आप लोगों को समीक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी की तैयारी के लिए बहुत ही गाइडेड मटेरियल वहां पर उपलब्ध है। तो चलिए, आपको इससे रिलेटेड जो भी अगर डाउट हो तो वो आप हमसे ऐप पे भी जुड़ सकते हैं, वहां पे भी पूछ सकते हैं, या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप जो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है लिंक, उससे भी आप लोग हमसे जुड़कर इससे संबंधित खबर पूछ सकते हैं। और साथ ही यह जो आपके पास ये कागज है, ये जो कार्यालय ज्ञाप है, यह भी आप लोगों को पीडीएफ के माध्यम से हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर उपलब्ध करा दिया जाएगा, ताकि अगर ये आपको पढ़ने में नहीं आ रहा है तो आप इसको उस ग्रुप से जाकर डाउनलोड करके आसानी से पढ़ सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।